दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लाडले बेटे के लिए दो अक्षर वाले 25 बहुत ही यूनिक और काफी मॉडर्न से नाम। तो अगर आप अपने बेटे का नाम दो अक्षर वाला बहुत ही मॉडर्न सा नाम रखना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से हमारी हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज आप हमारे वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और हमारे चैनल को लाल वाले बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला नाम मैं आपके बेटे के लिए लेकर आई हूँ शिवा। एंड शिवा नेम की मीनिंग होती है लॉर्ड शिवा। तो शिवा नाम आपके बेटे के लिए एस लेटर का बहुत ही लकी नाम रहेगा। अगला नाम मैं आपके बेटे के लिए सजेस्ट करूंगी धीर। एंड धीर नेम की मीनिंग होती है जेंटल। तो अगर आप चाहें तो आप अपने बेटे को धीर नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट नाम मैं आपके बेबी बॉय के लिए इस लेटर का बहुत ही स्वीट सा नाम लेकर आई हूँ स्पर्श। एंड स्पर्श नेम की मीनिंग होती है टच। तो स्पर्श नाम वास्तव में बोलने में बहुत ही प्यारा सा नाम है। तो यह नाम आपके बेटे के लिए ठीक रहेगा। अगला नाम मैं आपके बेबी बॉय के लिए वाई लेटर का दो अक्षर वाला बहुत ही प्यारा सा नाम लेकर आई हूँ यस। एंड यस नेम की मीनिंग होती है विक्टोरी। तो यस नाम किसी भी लड़के के लिए वाई लेटर का बहुत ही मॉडर्न नाम रहेगा। नेक्स्ट ब्यूटीफुल नेम इज क्रिश। एंड क्रिश नेम की मीनिंग होती है लॉर्ड कृष्णा। तो कृष्णा वास्तव में के लेटर का बहुत ही छोटा और काफी लकी सा नाम है। तो अगर आप चाहें तो आप अपने बेटे को कृष्ण नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट इज टच। एंड टच नेम की मीनिंग होती है किंग। तो अगर आप चाहें तो आप अपने बेटे को टच नाम दे सकते हैं क्योंकि यह नाम टी लेटर का बहुत ही यूनिक सा नाम है। अगला नाम मैं आपके बेटे के लिए एस लेटर का बहुत ही मॉडर्न सा नाम सजेस्ट करूंगी शौर्य। एंड शौर्य नेम की मीनिंग होती है पावर। और शौर्य नाम का हिंदी में अर्थ होता है शक्ति। तो शौर्य नाम आपके बेटे के लिए बहुत ही लकी सा नाम रहेगा। नेक्स्ट इज युग। एंड युग नेम की मीनिंग होती है एज। तो युग नाम पर्सनली हमें वाई लेटर का बहुत ही प्यारा सा नाम लगा। तो अगर आप चाहें तो आप अपने बेटे को युग नाम दे सकते हैं। अगला नाम मैं आपके बेबी बॉय के लिए सी लेटर का बहुत ही छोटा सा नाम लेकर आई हूँ चेतु। एंड चेतु नेम की मीनिंग होती है इंटेलिजेंट। नेक्स्ट ब्यूटीफुल नेम इज शुभ। एंड शुभ नेम की मीनिंग होती है लकी। तो शुभ नाम वाले लड़के अपने नाम के अनुसार वास्तव में बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। तो आप अपने बेटे के लिए चाहे तो शुभ नाम ट्राई कर सकते हैं। अगला नाम मैं आपके बेबी बॉय के लिए बी लेटर का बहुत ही स्मार्ट सा नाम लेकर आई हूँ भाव। एंड भाव नेम की मीनिंग होती है लॉर्ड शिवा। तो भाव नाम किसी भी लड़के के लिए बी लेटर का बहुत ही स्वीट सा नाम रहेगा। अगला नाम मैं आपके बेटे के लिए ए लेटर का बहुत ही मॉडर्न सा नाम सजेस्ट करूंगी अर्थ। एंड अर्थ मीन्स होता है मीनिंग। तो अर्थ नाम आपके बेटे के लिए बहुत ही छोटा सा नाम रहेगा। नेक्स्ट ब्यूटीफुल नेम इज ज्ञान। एंड ज्ञान नेम की मीनिंग होती है नॉलेज। तो अगर आप चाहें तो आप अपने बेटे को ज्ञान नाम दे सकते हैं क्योंकि ज्ञान नाम बोलने में बहुत ही आसान सा नाम है। नेक्स्ट इज विभू। एंड विभू नेम की मीनिंग होती है लॉर्ड विष्णु। तो अगर आप अपने बेटे को हमेशा घर पर पुकारने के लिए दो अक्षर का बहुत ही छोटा सा नाम देना चाहते हैं तो आप उसे विभू नाम दे सकते हैं। अगला नाम मैं आपके बेटे के लिए सजेस्ट करूंगी अच्छू। एंड अच्छू नेम की मीनिंग होती है आइड। तो अच्छू नाम आपके बेटे के लिए ए लेटर का बहुत ही प्यारा सा नाम रहेगा। दोस्तों आप सभी हमारी वीडियो को तो देखते हैं परंतु आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जबकि सब्सक्राइब करने में आप सभी का कोई मेहनत या पैसा नहीं जाएगा, यह बिल्कुल फ्री है। तो सिर्फ आपको करना क्या है, जो पास में लाल वाला बटन दिख रहा है उस पर अपनी उंगली को दबाकर उसे सफ़ेद कर देना है। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाल वाले बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला नाम मैं आपके बेटे के लिए दो अक्षर से सी लेटर का बहुत ही प्यारा सा नाम लेकर आई हूँ चित। एंड चित नेम की मीनिंग होती है
माइंड, तो जितना नाम आपके बेटे के लिए बहुत ही परफेक्ट नाम रहेगा। नेक्स्ट ब्यूटीफुल नेम इज लव, एंड लव नेम की मीनिंग होती है प्रॉफिट, तो लव नाम आपके बेटे के लिए एल लेटर का बहुत ही लकी नाम रहेगा। अगला नाम है ईश, एंड ईश नेम की मीनिंग होती है गॉड, तो अगर आप चाहें तो आप अपने बेटे को ईश नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट इज नव, एंड नव नेम की मीनिंग होती है स्काई, तो नव नाम आपके बेटे के लिए इन लेटर का बहुत ही यूनिक सा नाम रहेगा। अगला नाम मैं आपके बेटे के लिए पी लेटर का बहुत ही लवली सा नाम सजेस्ट करूंगी, प्रेम, एंड प्रेम नेम की मीनिंग होती है लव। अगला नाम मैं आपके बेटे के लिए लेकर आई हूँ साच, एंड साच नेम की मीनिंग होती है विटनेस, और साच नाम का हिंदी में अर्थ होता है गवाह, तो साच नाम आपके बेटे के लिए ठीक रहेगा। नेक्स्ट नाम मैं आपके बेबी बॉय के लिए सजेस्ट करूंगी देव, एंड देव नेम की मीनिंग होती है गॉड, तो अगर आप चाहें तो आप अपने बेटे के लिए देव नाम चूज कर सकते हैं। अगला नाम मैं आपके बेबी बॉय के लिए लेकर आई हूँ सोम, एंड सोम नेम की मीनिंग होती है मून, तो सोम नाम आपके बेटे के लिए बहुत ही अनकॉमन सा नाम रहेगा। नेक्स्ट ब्यूटीफुल नेम इज वीर, एंड वीर नेम की मीनिंग होती है वॉरियर, और वीर नाम का हिंदी में अर्थ होता है योद्धा, तो वीर नाम आपके बेटे के लिए वी लेटर का बहुत ही आसान सा नाम रहेगा। नेक्स्ट इज अर्श, एंड अर्श नेम की मीनिंग होती है ब्राइट, और अर्श नाम का हिंदी में अर्थ होता है चमक, तो अर्श नाम आपके बेटे के लिए ठीक रहेगा। अगला नाम मैं आपके सुंदर से बेटे के लिए पी लेटर का बहुत ही सुंदर सा नाम लेकर आई हूँ पार्थ, एंड पार्थ नेम की मीनिंग होती है किंग, तो अगर आप चाहें तो आप अपने बेटे को पार्थ नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट इज केतु, एंड केतु नेम की मीनिंग होती है लॉर्ड शिवा, तो केतु नाम आपके बेटे के लिए के लेटर का बहुत ही लकी नाम रहेगा। नेक्स्ट ब्यूटीफुल नेम इज मान, एंड मान नेम की मीनिंग होती है रिस्पेक्ट, तो अगर आप चाहें तो आप अपने बेटे के लिए मान नाम ट्राई कर सकते हैं। अगला नाम पी लेटर का बहुत ही प्यारा और काफी भाग्यशाली सा नाम है प्रांशु, एंड प्रांशु नेम की मीनिंग होती है लॉर्ड विष्णु, तो प्रांशु नाम आपके बेटे के लिए ठीक रहेगा। दोस्तों, और भी बेहतरीन बेबी नेम्स की नई वीडियो को पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को रेड वाले बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।